उधर वाइब्रेट उसका नहीं जाएगा, दूर से होएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मशीनें जो है लगातार रात से काम कर रही हैं, और जो हमारा टारगेट है 45 फीट हमको ड्रिल करना है और तकरीबन 30 फीट हम लोग कर चुके हैं। बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है, और जैसे कल शाम को थी कैमरा डाल के हम लोगों ने देखा था, और अभी भी कैमरा डाल के निरंतर देखा जा रहा है, तो अभी तो बच्चे की स्थिति स्टेबल है। अभी 4 से 5 घंटे और लगेंगे। इसमें जो खेत मालिक है उसके ऊपर FIR की कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है, तो उस पर केस रजिस्टर होगा।